चाइनीज मोबाइल फोन फिर से भारतीय सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ा रहा है। जी हां, खबरों की माने तो भारतीय कंपनियां चीन से जो मोबाइल सेट आयात कर रही हैं, उनमें कुछ ऐसे उपकरण और सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हैं जो न केवल यूजर्स की व्यक्तिगत आजादी पर हमला कर सकता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से चाइनीज मोबाइल के लिए सख्त निगरानी नियम बनाने को कहा है, जिसके बाद अब चीन में बने प्रोडक्ट्स खासतौर पर स्मार्टफोन और फीचर फोन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। खबरें हैं कि चीन प्रोडक्ट की भारत में बिक्री से पहले उसकी जांच की जा सकती है। चीन में बने प्रोडक्ट्स को साइबर सॉफ्टवेयर के रडार पर रखा जाएगा। इस पॉलिसी पर अब टेलीकॉम मंत्रालय काम कर रही है। चीन में बने मोबाइल फोन में बग टेस्टिंग खासतौर पर की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो अब चाइनीज मोबाइल आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और मालवेयर डाले गए हैं। ये मोबाइल यूजर्स की पूरी डिटेल चीन में स्थित कंट्रोल पैनल तक चुपके से पहुंचा देता है। चाइनीज मोबाइल पर अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है तो सॉफ्टवेयर उसका पूरा डाटा चीन भेज देता है। ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट की जांच के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने को लेकर सरकार आईटी कंपनी से बात कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन मोबाइल परेशानी का सबब बने हैं, बल्कि इससे पहले भी बिना IMEI नंबर के चीन मोबाइल ने खतरे की घंटी बजाई थी। इन फोन से की जाने वाली कॉल्स की निगरानी संभव नहीं थी। इसके बाद बिना IMEI नंबर वाले चीन मोबाइल्स को बैन कर दिया गया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।